अरे थोड़ा सा एगो निकालना पड़ता है ना चूल्हा को खिलाने के लिए, तो एगो निकाल दे रहे, एगो खिला रहे मम्मी चूल्हा को। अभी छोटी फुआ से मिल लिए। हाँ। कैसे हैं फुआ? सब ठीक है, बढ़िया। लेकिन दांत बहुत चमक रहा है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं गांव में हूं, और गांव के भाई लोग, बच्चे लोग जानते ही है कितना शरारत होते हैं। सारे बच्चे लोग कुआं में कूद के नहा रहे हैं। देखो भाई, ऊपर लेवल का ये लोग। एक्चुअली में ये लोग को तैरने आता है ना, इसलिए ये लोग कहीं भी कूद जाते हैं, बट मुझे वैसा कुछ आता नहीं है। बट ये देखो इन लोगों को, तुम लोग कूद रहे हो, कोई रिक्स नहीं है ना? नो रिक्स। जाओ जाओ, हम भी चले क्या? ए, हम भी चले हैं। हाँ, चलो जाओ जाओ, अरे जाओ, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चारों एक साथ, चलो हम भी जा रहे थोड़ा। जय श्री राम। पानी भी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत मस्त है। तो दोस्तों, कुआं में कूद के सभी को नहा लिया, बट आप लोग कभी रिक्स मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी कोई बच्चे लोग तैरने जानते हैं, ये लोग का एक्सपीरियंस है। इसलिए मेरे को भी तैरने आता है, इसलिए मैं नीचे से थोड़ा सा गया था, बट गर्मी लग रहा था बहुत, इसलिए मैं गया था, नहीं तो जाता नहीं वैसे। तो फिलहाल अभी हम लोग घर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, नहा करके हम लोग घर पहुंचे, फ्रेश हुए थोड़ा सा। अभी देखो, अपना पेड़ का आम तोड़ा गया है, ये लड़का तोड़ा है। कहाँ है लड़का, किधर है? देखो हनुमान, छोटा हनुमान। और अभी हम लोग तोड़े सारा आम को, इस तरह बारी बारी से छील रहा है भाई लोग, देखो मिल के इसी तरह छीलेगा। छीलने के बाद आज घमोली बना के हम लोग खाएंगे। खाएगा ना घमोली? हाँ। हाँ? हाँ। सारा फिनिश कर देना है ना। आई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, बताओ। तो चलो अभी घमोली बनाएंगे, किस तरह घमोली बनता है, पूरा फाइनल बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगा, और दिखाने के साथ साथ पूरा मैं रिव्यू दे दूंगा, ताकि आप लोग भी बना के उस तरह खाना, बहुत मजा आएगा। हम इस तरह छोटा छोटा पीस काट के अभी रेडी किए हैं, अभी देखते जाओ। प्याज, मिर्चा, जलजीरा, ये है मिर्चा पाउडर, खा लेगा ना तुम लोग? डाल दे, पक्का पक्का, कम 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 कम, और डाले कम, और डाले ना, और डाले नहीं, थोड़ा सा और, और डाले। आज इन लोग को पता चल जाएगा, थोड़ा सा बचाएगा ना, उनका पता ना चल। तो डाल दे, डाल दो, सब डाल दो। नमक हो जाएगा ना इतना? नहीं, हो जाएगा। बढ़िया है, बट खट्टा है, बढ़िया है। खा तो एक बार, खा खा खा, बढ़िया है। झाल है या खट्टा है? खट्टा है, झाल नहीं है। दोस्तों, इधर इतना गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊं। कल जब मैं आया था उस टाइम 44 डिग्री टेम्परेचर था, आज 40 डिग्री टेम्परेचर है। इस धूप में कुछ बोला नहीं जा सकता है, देख पा रहे किस तरह का धूप है। गाड़ी उधर पार्क में लगा हुआ है, वो भी एक भैया का घर है, अपना ये घर है, कोठी सा प्यारा सा मकान। बाकी तो भाई बहुत गर्मी, इधर 40 डिग्री टेम्परेचर है। चलो थोड़ा सा तो अभी धूप कम हुआ, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इधर देखो, मम्मी रेडी हो रही है, क्योंकि जा रही है छोटी फुआ का घर में, साथ में छोटी चाची भी। अरे क्या हो रहा है?
इधर नहीं रहना, अच्छा ससुराल तो नहीं जा रही है जो इतना चपोत रही है सब। नाना तो फिर जाएगी काहे के लिए, तुमको रात में ले जाएंगे, तुम चलो ना के ए मंजली का बेटा ठीक है ना बेटा, हम भी रेडी हो जाए, इसी तरह चले इसी तरह चलते, चलो चलो तुम भी चलो चले। हाँ चल हाँ हो जाएगा, चलो रेडी कहा इसी तरह चलो क्या, अपना ही घर तो है। चलो चाची कहाँ? अरे बाप तुम रेडी हो गई मस्त। कहाँ रेडी हो गए तुरंत, खाली हमारा रेडी होने में टाइम लगता है, वही तो देख रहे हैं। देखो गिरा क्या चीज, पूरा रेडी हो गए मम्मी, एकदम सुंदर लग रही है। हाँ। इस दुनिया का सबसे हाँ। खूबसूरत परी लग रही है। लेकिन एक बात बता, लिपस्टिक इधर लगाया जाता है, इधर नहीं लगाया जाता है, तेरा गाल में लग गया तुम्हारा। ला दो साड़ी, दो साड़ी, जा पता है आज कुआं में मैं नहाया, मेरा जो चेन जो था इसमें चेन गला में नीचे गिर गया उसी में। सूख गया, इसको पानी दे, ये वाला सा लग, ये अलता, ओ, अलता सा लग गया, सूख गया हमें, नहीं छूट रहा है पानी, पानी को ज्यादा हो गया ना। सुनो ना, हम नहीं, नहीं। थोड़ा सा हम थूक लगा के कर दे कर दे कर दे नहीं नहीं कर दे कर दे ना ना कर कर ना, देखो पानी से भींगा खिला रहे हो, थूक कैसे दे देंगे मम्मी, अब मम्मी को पूरी कर दो। वाह देख लगभग लगभग निकल गया, चले तुम आ रख, चलो 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 गाड़ी में बैठो, तो लेट कर रही कहाँ चाची, रुको लेगा भी रेडी हो गया, एकदम चमक रही है, लेकिन मानना पड़ेगा पूरा चमक रही है। वाह भाभी जाना है, चलिए चलिए चल चलो मुन्ना तुम जाओ, हम पहले घूम के आ गए, यार क्या इसको ले जाएंगे हम, तो ये कहाँ रहेंगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल निकल चुके हैं छोटी फुआ के घर, अभी हम लोग गाड़ी में पूरा एकदम खचम खुशी में भरे हुए हैं। इधर डमरू भाई है पापा के साथ, चाचा चाची मम्मी और एक भाई मुन्ना पीछे, मम्मी देखो कोना में कहाँ घुस गई है कहीं नहीं घुसे हैं, दिख रही है ना, हाँ दिख रहे हैं, बाकी चाचा चाची बाकी आपका भाई आर्यन, बस जा रहा हूँ फुआ के घर, काफी दिन हो गया। एक्चुअली मैं जब हमारे भैया का घर में शादी था ना, तो उसी टाइम फुआ का बेटा मतलब भाई का शादी था उसी टाइम में, तो भाभी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो अभी सभी को जा रहे मिलने के लिए, कोई नहीं मिल पाए थे समझ लो, कोई मिले थे क्या उधर, कोई नहीं मिले, हम तो जेबो नहीं किए। चलो तो अभी ये हमारा प्यारा सा गाँव है, वाह। दोस्तों फुआ के घर जा रहे है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना संदेश, तो वही अभी कुछ जा रहा हूँ लेने के लिए अभी फिलहाल, और अभी पापा लोग गाड़ी में हैं वही पार्किंग में रखे हुए हैं अभी, और अभी मैं लेऊंगा यहाँ से कुछ संदेश कुआ का, देखता हूँ क्या क्या लेना है इधर, कुछ कुछ मिठाई ले लेंगे, फल ले लेंगे, बाकी फेवरेट लीची, लीची ले लेते हैं, सोचे थे कि लीची ले लेंगे क्योंकि मेरा सिटी में तो 80 रुपये किलो है, आप तो देखे ही इधर 140 रुपये डायरेक्ट बोलता है, ऐसे नहीं होता यार, कुछ तो कुछ बढ़ेगा, 10 रुपया 20 रुपया 140 रुपये की बात हुआ, डबल रेट ऐसे किसी ने भैया ये दे दिए लड्डू। तो दोस्तों ये देखो सामान सारा ले लिया इधर, बस अभी यहाँ से जा रहे हैं, मैंगो लेना है, मैंगो अभी देखते हैं कहाँ पे अच्छा मिलेगा, मैंगो देखो ना यहीं पे मिल रहा भाई, फिलहाल अभी आम भी लिया हो गया, ये देखो इतना सारा चीज ले लिया कुआ के घर के लिए, चलो अभी चलते हैं फिलहाल डायरेक्ट कुआ के घर में, वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इधर। अब मैं रैंडमली इधर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो इधर के लोग मुझे ऐसा घूर के देख रहे हैं कि क्या बताऊँ, सच बता रहा हूँ, सब लग रहा है क्या कर रहा है ये लड़का, बहुत लोगों का पता नहीं होता है ना कि ये कर क्या रहा है, जिनको पता है वो मिल रहे हैं मेरे से, अच्छा लग रहा है, ठीक है चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि आपका भाई बहुत ही स्वीट है। तो दोस्तों अभी फुआ के घर पहुंच चुके हैं, सभी से मैं मिलवाऊंगा, फिलहाल मिला है नाश्ता, सारा फिनिश करेगा मुन्ना, फिनिश कर देंगे, बाकी सभी को इधर बैठे, सभी से मिलवाऊंगा, बस थोड़ा सा खा लेते, थोड़ा सा पहले पेट पूजा इसके बाद दिखाते हैं, ये लड़का के देखो टूट पड़ा खा 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 एकदम
तो फिलहाल दोस्तों अभी छोटी फुआ से मिल लिए। हाँ। कैसे हैं फुआ? सब ठीक है। बढ़िया लेकिन दांत बहुत चमक रहा है। बहुत चमक रहा है। हाँ। कौन सा क्या बोलते हैं, कॉलगेट से ब्रश हुआ था? नीम का दांत मन बढ़िया है। और ये देखो हमारी भाभी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का समय थोड़ी। कोई बात नहीं, कैसे है भाभी? ठीक है। अरे बाप, नया भाभी बोले तो धीरे धीरे बोले। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे आए थे ना, तो भाभी का मतलब भाई का शादी था, तो उस टाइम मुलाकात नहीं हुआ था, तो पहली बार मुलाकात हो रहा ना, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रही है। बाकी तो आपका भाई आर्यन तो देखते ही फ्रीडम रहता है सब जगह, तो उसी तरह भाई रहता है। तो अभी हम लोग फिलहाल निकलेंगे बड़ी फुआ के घर। फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बड़ी फुआ के पास, क्योंकि कल हम लोग को रिटर्न धनबाद जाना है, तो टाइम ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी फिलहाल निकलना पड़ेगा। और मम्मी और फुआ का मतलब क्या बोलते हैं, भाभी और ननद और भौजाई। ननद और भौजाई का देखो खुशी। चलो चलो अभी है, फिर मिलेंगे धनबाद। आइए धनबाद में मिलेंगे, इंतजार रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूं बड़ी फुआ के घर में, बट हुआ क्या ना, 9 बजे रात में मैं पहुंचा हूं, तो भाभी लोग यहां पे सोने के लिए चली गई थी। कैसे भाभी? ठीक। नमस्ते, सबसे पहले नमस्ते, जोहार, प्रणाम। और इधर है भैया। अब भैया बना रहे इधर कुछ ना कुछ तो बना रहे। क्या बना रहे भैया? वाह वाह, तड़का बना चुके। वाह, पकौड़ी बना रही, इधर भी दिखाओ थोड़ा, पकौड़ी बना रही है। वाह, क्या हेल्प कर दे बोलिए। नमक डाल दीजिए खाली। नमक? नहीं नहीं। अरे रोटी रोटी बन गया? रोटी बन गया। वाह, कौन बनाया रोटी इतना जल्दी? बढ़िया है, रोटी बनाई मम्मी बना दी। वाह, ये तो इस सब अच्छा लगता है। अभी रात के करीब 10 बज रहे हैं, इसीलिए आप लोग आते हैं जल्दी जल्दी। क्या क्या कीजिएगा भाभी, समय समय की बात है। आज समय कभी आना चाहिए ना। तो देखिए कभी कभी तो जरूर आए, आज आ गए। पकौड़ी में थोड़ा हेल्प कर देंगे, अभी तो उधर थोड़ा एडिटिंग कर रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम नहीं दे पाए। पकौड़ी में लाइफ में पहली बार बना रहा हूँ, मालूम मजा आ गया। थोड़ा सा एगो निकालना पड़ता है ना चूल्हा को खिलाने के लिए, तो एगो निकाल दे, एगो खिला रहे मम्मी चूल्हा को। सेल रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, सेल मम्मी सेल है, उठा लो नहीं तो फरमानी बना दूंगा, बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बन गया पकौड़ी। अरे ऐसा पकौड़ी कोई खाया भी नहीं होगा जैसा मैं खिलाने वाला हूँ अभी। गर्मा गर्म पकौड़ी, मजाक है क्या? अभी आलू कटिंग हो गया, भाभी काट के दिए आलू, आलू के साथ में आलू चप छनाएगा। या मजाक है क्या? भले पहली बार मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या मुझे नहीं आता है। ए बुआ, बुआ ठीक है तो बुआ, टेंशन नहीं लेना कोई चीज का, आजा भाई। खाना बन के रेडी है अभी फिलहाल। मम्मी को पता नहीं पानी बहुत कितना पसंद है, जहाँ जाती है वहाँ पानी भर। पुआ का घर आई है तो पुआ का घर में भी पानी भर। इधर चाची, अच्छा रोटी खा रही है। वाह, भाभी और हम लोग भी इधर बैठ के रोटी कुछ खा लिए, पापा भी पानी भर खाए। एक्चुअली में ये हम लोगों ना ये ट्रेडिशनल है समझ लो, पानी भर बहुत मजा आता है खाने में, और इसमें कटहल का सब्जी डाल देता और मजा आता है। दोस्तों फुआ के घर में आए, बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम फुआ के घर में आया यहाँ पे, बाकी फुआ लोग को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना रात भी हम लोग सरप्राइज़ दे दिए यहाँ पे आकर के। तो दोस्तों अभी खाना पीना भी सभी का हो गया, और अभी मैं निकल रहा हूँ फिलहाल अपने घर, और ये वीडियो को यहीं पे करूँगा एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना कमेंट में प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।